नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सह संयोजक यौगिक के बारे में। इसके पूर्व मित्रों हमने आपको वीडियो में बताया सह संयोजक जो बंध होता है वह कैसे बनता है, और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सह संयोजक यौगिक और इनके कैरेक्टर लक्षण के बारे में। मित्रों हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना के बारे में सीख पा रहे थे। आखिर में सह संयोजक यौगिक है क्या? अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करें मित्रों सह संयोजक यौगिक के बारे में, जिस यौगिक के मध्य सह संयोजक बंध होता है ऐसे यौगिक को सह संयोजक यौगिक कहा जाता है। दरअसल जो सह संयोजक यौगिक होते हैं इनका निर्माण परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है, यानी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सह संयोजक यौगिक कहा जाता है। बंध क्या है? सह संयोजक बंध कहा जाता है। मित्रों जैसे CH4 है मेथेन, सह संयोजक यौगिक है, ग्लूकोज है, चीनी है, फ्रक्टोज है, एसीटोन है, एथेनॉल जैसे C2H5OH, ये सब सह संयोजक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। सह संयोजक यौगिक के अगर लक्षणों के बारे में बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे कैरेक्टर, भौतिक अवस्था, गलनांक, क्वथनांक, क्रिस्टल संरचना, विद्युत चालकता, विलेयता, क्या क्या इनकी कैरेक्टर है। जैसे अगर मित्रों भौतिक अवस्था के बारे में बात करें तो बड़ा सिंपल इसका डिफिनेशन है सह संयोजक यौगिक का, जो विलेयता है, सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर देखिए यह यौगिक मृदु ठोस होता है, यानी जैसे आयोडीन है सॉलिड स्टेट में है, ये द्रव में भी होता है Br2 लिक्विड स्टेट में भी होता है जैसे Cl2 N2 O2, ये सब गैसियस स्टेट यानी गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद मित्रों आता है गलनांक क्वथनांक। अगर इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, जो गलनांक क्वथनांक के बारे में बात करें, तो यहां पर देखिए इन यौगिक के गलनांक क्वथनांक कम होते हैं वैद्य संयोजक यौगिक से, क्योंकि अणुओं के बीच कमजोर वैन डर वाल बंध होता है, जैसे रेत है, हीरा है, ग्रेफाइट है। मित्रों इनके मध्य कमजोर वैन डर वाल बल होता है जिससे इनका जो गलनांक क्वथनांक होता है वैद्य संयोजक यौगिक से कम होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं रेत है, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये मित्रों आपका गलनांक क्वथनांक था सह संयोजक यौगिक का। इसके बाद आता है क्रिस्टल संरचना। बड़ा सिंपल मित्रों इसका डिफिनेशन है क्रिस्टल संरचना का। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, केवल प्रबल सह संयोजक आबंध वाले सह संयोजक यौगिक क्रिस्टल संरचना दर्शाते हैं। मित्रों यहां पर देखिए केवल प्रबल सह संयोजक आबंध वाले यौगिक ही क्रिस्टल संरचना दर्शाते हैं। जैसे मित्रों आयोडीन है, ग्रेफाइट है, हीरा है, ये सभी क्रिस्टल संरचना दर्शाते हैं। क्यों क्रिस्टल संरचना दर्शाते हैं? इसलिए कि यह सह संयोजक बंध के द्वारा तो जुड़े होंगे, साथ ही साथ ये प्रबल यानी कि वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि प्रबल स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ये क्या होते हैं बॉन्डेड होते हैं। इसके बाद आता है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहां पर देखिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं साहब ये विद्युत के कुचालक? वही हमने वैद्य संयोजक में बताया था, जो वैद्य संयोजक यौगिक होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर ठोस अवस्था में है वैद्य संयोजक यौगिक तो विद्युत का क्या होगा मित्रों? सुचालक हो कुचालक होगा। लेकिन जैसे ही आप उसे लिक्विड स्टेट में घोलेंगे NaCl वैद्य संयोजक यौगिक तो उष्मा का सुचालक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विलयन जली अवस्था में वहां पर उनके आयन क्या करते हैं गत करते हैं। और यहां पर देखिए इनकी जो विद्युत ये विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं। लेकिन मित्रों जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट मित्रों उष्मा का कुछ मात्रा में सुचालक भी होता है। क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट उष्मा का सुचालक होता है। इसके बाद देखिए आता है विलेयता, सोलेबिलिटी, अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक में जैसे आप किया जाएंगे CH2 राइट, कार्बन डाइसल्फाइड CCl4 आ जाता है, बेंजीन आ जाता है, एथेनॉल भी है C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल शराब, ठीक। तो CH2 है, CCl4 है, C6H6 आदि, ये मित्रों क्या है अध्रुवीय विलायक है जो सह संयोजक बंध से जुड़े होते हैं। अगर मित्रों अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय सल्यूट इसमें घोलेंगे तो घुल जाएगा, क्योंकि पोलर डिजॉल्व पोलर ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलता है, अध्रुवीय अध्रुवीय को घोलेगा। कोई कार्बनिक कंपाउंड डालेंगे तो इसमें आसानी से घुल जाएगा।
अब देखिए मित्रों, इसमें कुछ पॉइंट आपको समझना चाहिए, जैसे चीनी है, ग्लूकोज है, एसीटोन है। आप सोच रहे होंगे अगर इन्हें हम जल में डालते हैं तो घुल जाते हैं, क्यों घुल जाते हैं? देखिए, जल में इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। चीनी है, ग्लूकोज है, एसीटोन है, इन्हें मित्रों अगर आप जल में घोलेंगे ना तो आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगे, सोलेबल हो जाएंगे, घुल जाएंगे। इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसके बाद मित्रों देखिए, जो दो आपके फैक्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एरो के साथ स्टार पॉइंट भी है। यहां पर मित्रों ये दो पॉइंट के द्वारा हम लोग जानेंगे सहसंयोजक जो बंद होता है क्यों बनता है। बाहरी कक्षा में अगर 4, 5, 6, 7 परमाणु अपने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखा है 4, 5, 6, 7 तो जाहिर सी बात है सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा। ठीक, ये मित्रों शायद आपको वहां पर वीडियो में न दिखे, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि परमाणुओं की विद्युत लंबकता का अंतर 0 या 1.65 से कम होता है, हमने क्या कहा, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर 0 या 1.65 से कम होता है तब इनके मध्य सहसंयोजक बंध बनता है। ये कैसे, जरा आप समझिए। जैसे मित्रों हमारे पास H2 है, N2 है, O2 है, इनका अगर आप विद्युत लंबकता का अंतर देखेंगे ना 0 है, क्योंकि जो इसका है वही इसका भी। दो ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन का विद्युत लंबकता बराबर होगा तो 0 होगा, इसी प्रकार नाइट्रोजन में, इसी प्रकार ऑक्सीजन में। अच्छा, अंतर भी होता है, अगर 1.65 से अगर कम हो जाए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर तब भी क्या बनेगा, सहसंयोजक आबंध बनेगा, साझेदारी कर लेंगे। क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करने से? लेकिन मित्रों जो वैद्युत संयोजक यौगिक थे ना वहां पर अगर विद्युत लंबकता का अंतर 1.5 से अगर अधिक था या 1.1 से अधिक था तभी वैद्युत संयोजक बंध बन रहा था। तो चलिए मित्रों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।